वेलकम टू आवर चैनल पी एस क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि आखिर क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, और इसको हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सीरीज को हम यूज कर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे मीन मीडियन मॉड के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? दोस्तों अगर पहली बात करें तो पहली में आती है दोस्तों सिमेट्रिकल डेटा। ठीक है, अब सिमेट्रिकल डेटा क्या होता है? देखिए अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं इक्वल डेटा, ठीक है, मतलब सेम डेटा। अगर इसको मैं एक सीरीज से बोलूं कि एक सीरीज है जिसकी जिसमें ऑब्जर्वेशन है दोस्तों दो 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 और दो, ये एक सीरीज है दोस्तों। ठीक है, इसका अगर हम मीन निकालें तो वो भी दो आएगा, मीडियन निकालें वो भी दो आएगा, और अगर मॉड निकालें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू वो भी दो आएगा। तो कहने का मतलब सिमेट्रिकल डेटा में जो मीन होता है दोस्तों, दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, ये तीनों चीजें एक बराबर होती हैं। ठीक है, अगर डेटा सिमेट्रिकल हो, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है दोस्तों कुछ इस तरह बनती है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे की। दूसरा है दोस्तों असिमेट्रिकल डेटा। अब जाहिर सी बात है इसमें डेटा सेम नहीं होता, डिस्टिंक्ट होता है डेटा। ठीक है, डिस्टिंक्ट डेटा होने की वजह से ये भी दो चीजों में बटा हुआ है। पहला होता है जो डेटा होता है दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अब सर पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक बात बता दूं, इस केस में दोस्तों जो मीन होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। सबसे बड़ा मीन, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मॉड। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं एक सीरीज से। ठीक है, अब मान लीजिए एक सीरीज है दोस्तों दैट इज 2, 13, 4, 3 and 2, ये एक सीरीज है। अगर इसमें हम मीन निकालें, मीन क्या होगा सर इसका 15, 19, 21, 24। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4.8 आ गया इसका मीन। ठीक है, अगर मीडियन की बात करें, मीडियन में हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें 2, 2, 3, 4, 13, तो दो इधर से छोड़ेंगे दो इधर से, तो ये बीच वाली वैल्यू दैट इज मीडियन। ठीक है, और मॉड की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर डेटा दैट इज 2, 2, तो मॉड आ गया अपना 2। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में जो मीन है दैट इज 4.8, मीडियन है दोस्तों दैट इज 3 एंड मॉड है दोस्तों दैट इज 2। ये बात बिल्कुल प्रूफ हो रही है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखी थी। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है दोस्तों, इसमें ये रिलेशनशिप है। कहने का मतलब अगर कोई सीरीज दोस्तों पहले बहुत ज्यादा बढ़ती है और फिर हल्के से घटते जाती है, तो उस केस में जो डेटा होगा दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड सिमेट्रिकल होगा वो डेटा, उस केस में मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। और अगर सिचुएशन बी की बात करें, सर बी में क्या होता है, बी में भी एक अलग बात है। सर इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, अब नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, पहले हम बात जान लें कि आखिर नेगेटिवली स्क्यूड में दिखता कैसा है डेटा। अब इस केस में दोस्तों जो मॉड होता है वो सबसे बड़ा होता है, मॉड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मीन से, मतलब मीन सबसे छोटा होता है, ये होता है एस्टेब्लिशमेंट। अब इसकी सीरीज भी देख लें एक सीरीज के साथ एग्जांपल। सर अगर सीरीज में बात करें तो
1, 2, 3, 6, 7, 10, 10, ये एक सीरीज है दोस्तों। अब इसका हम पहले मीन निकालेंगे। सर मीन की अगर बात करें तो इसका जो मीन आएगा दैट इज 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 10 + 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो दैट इज 39 / 7, 39 / 7 दैट इज 5.5, तो ये 5.5 आ गया इसका मीन, ठीक है, मीन आ गया। और अगर मीडियन की बात करें सर, मीडियन में बिल्कुल वही बात डेटा सेंडिंग ऑर्डर में ही है, मीडियन 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे, ये बीच वाली टर्म होगी दैट इज मीडियन। अब मीडियन इस केस में कितना है दोस्तों, 6, मीन जो है दैट इज 5.5, मीडियन 6 है। मॉड की अगर बात करें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, सर इसमें 10 है, इस 10 है, ठीक है, तो 10 इज मॉड। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में मॉड जो होगा 10 है, मीडियन जो है 6 है और मीन जो है दोस्तों दैट इज 5.5। क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है, आइए देखते हैं। मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, जी हाँ बिल्कुल ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस केस में ये जो सीरीज है दोस्तों ये असिमेट्रिकल सीरीज है और इसमें डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। और इसका जो आप चार्ट है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। इसको भी देख लें, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी दोस्तों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच, मीन मीडियन एंड मॉड के बीच, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं एक बात बोलूं कि मीन में अगर मॉड निकाला जाए, मीन में से अगर मॉड निकाला जाए वो इक्वल होगा मीन से अगर मीडियन निकाला जाए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए दोस्तों दैट इज मीन माइनस मॉड, ठीक है, दैट इज 3 मीन - 3 मीडियन, मॉड को इधर लिया जाए तो इसका मतलब मीन माइनस 3 मीन + 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड, मॉड इज इक्वल टू दैट इज 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। तो ये फाइनली जो है दोस्तों एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच, मीन मीडियन मॉड के बीच। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में जब हमें ग्रुपिंग मेथड करवा रहा था आपको किसका, मॉड का, मैंने एक बात बोली थी कि अगर सीरीज, अगर जो सीरीज है दोस्तों दैट इज बाय मॉडल सीरीज, कौन सी सीरीज, बाय मॉडल सीरीज, उस केस में ग्रुपिंग मेथड नहीं लगता, ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है, इंस्पेक्शन मेथड तो फेल होता ही है, ग्रुपिंग मेथड भी फेल हो जाता है। तो उस केस में दोस्तों मॉड जो होता है वो इस तरह निकलता है, हम मीन को निकालेंगे पहले, मीडियन को निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले की मदद से हम मॉड को निकालेंगे। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हमें एट द एंड यही फॉर्मूला यूज करना होता है टू फाइंड आउट मॉड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो ये था दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई भी लंबी डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।